और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एनडीए ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंप दिया है, राष्ट्रपति भवन में समर्थन पत्र सौंपा है। एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा है ये समर्थन पत्र। ये खबर इस वक्त आपको बता दें, आज शाम राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी भी। एनडीए ने राष्ट्रपति को जो समर्थन पत्र है वो सौंप दिया है और आज ही खबरें ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलेंगे। प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ था समर्थन पत्र सौंपने के लिए राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को। एनडीए ने राष्ट्रपति को फिलहाल समर्थन पत्र सौंप दिया, ये जानकारी सामने आ रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और मुलाकात का जो वक्त बताया गया है वो शाम करीब 6 बजे का बताया गया। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे प्रधानमंत्री। तीसरे कार्यकाल की ओर आगे बढ़ेगा ये देश, ये सरकार बढ़ेगी। एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने फिलहाल राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये बड़ी बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एनडीए के तमाम नेता एकत्रित हुए थे, सभी ने समर्थन पत्र सौंपा और उसके बाद आज ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एनडीए ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र ये सौंप भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बीजेपी के वो तमाम फायर ब्रांड लीडर्स, एनडीए के लीडर्स जिन्होंने एक बार फिर मजबूत सरकार बनाने का दावा पेश किया है अगले 5 साल के लिए। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, चिराग पासवान और गृहमंत्री अमित शाह, इन सभी की तस्वीरें आपने देखी है। जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार आगे बढ़ रही है 3.0 की तरफ, जो शाम 6 बजे 9 जून को शपथ लेंगे एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में समर्थन पत्र सौंप दिया गया, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रतिनिधिमंडल एनडीए का पहुंचा था समर्थन पत्र लेकर के। Z News।